मेरठ की करते हैं, जहां एक ज्वेलर से लूट का मामला सामने आया है। ज्वेलर सुधीर वर्मा अपने परिजनों के साथ पैतृक गांव जा रहे थे, तभी बहरौड़ा मोड़ पर कुछ बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोका और खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और उसके पास मौजूद 35 ग्राम सोने और 600 ग्राम चांदी के जेवर कब्जे में लिए और उन्हें अपनी कार से थाने में पहुंचने के लिए कहा, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने लूट की तहरीर पुलिस को दी। पूछताछ के बाद पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। ज्वेलर से लूटपाट की गई है। थाना की डोर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति द्वारा बताया गया वे अपने परिवार के साथ मोदीनगर से किठोर आ रहा था। रास्ते में उसकी कार को दूसरी कार द्वारा रोका गया, जिसमें जो व्यक्ति सवार थे उन्होंने अपने आप को पुलिस बताया और चेकिंग के नाम पर इस परिवार से 300 ग्राम चांदी, 30 ग्राम सोने के आभूषण, 2000 रुपये नकद और 2 मोबाइल लूटने की घटना कारित की गई है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है।